रेड वाले बटन को दबा के कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो एंड वेलकम एवरीवन गाइस, मेरा नाम है बिप्लॉप और मैं एक सेलर हूँ। 3 साल से मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एक्सेल शीट से अमेजोन पे कैसे बल्क प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। सो वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। सो आप जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो उस फ्लैट फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। इन्वेंटरी एड ए प्रोडक्ट भाई अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जिस भी कैटेगरी में सेल करना चाहते हो, कैटेगरी हमेशा वही सिलेक्ट करें गाइस जो कि आप सेल लिस्ट करना चाहते हो जैसा प्रोडक्ट। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, कुछ दूसरा प्रोडक्ट है लेकिन गलती से दूसरा कैटेगरी का टेम्पलेट डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट तो लिस्ट हो जाता है आपका, बाद में आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा लगता है, कई बार आपका प्रोडक्ट जो वो सर्च रिजल्ट में नहीं आता तो दिक्कत तो आपको आएगा। तो एग्जैक्टली वही कैटेगरी आप सिलेक्ट करें जो आप सेल करोगे, ठीक है। सो हम हेडफोन लिस्ट करेंगे तो इसका हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी सिलेक्ट करने के बाद देखिए जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करना है और ये आपको सेव या ओपन अप कर सकते हो। ओपन करने के बाद गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा आपके सामने, एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना होगा और टेम्पलेट पे आ जाना है। सबसे पहले आपको जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा प्रोडक्ट टाइप, तो देखिए ये जो एक्सेल शीट है इसमें आप चाहो तो 1000-100 प्रोडक्ट आप एक साथ लिस्ट कर सकते हो। अगर आप सिंगल बाई सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको लगता है, तो आप इसमें वो जो आपका प्रोडक्ट है बहुत इजीली आप लिस्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट टाइप आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये हेडफोन्स आ रहा है क्योंकि हम हेडफोन्स वाले टेम्पलेट डाउनलोड किया। अगर आप मोबाइल बैक कवर वाला टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो बैक कवर का आएगा, अगर आप कुर्ती का लिस्ट करोगे तो टेम्पलेट में कुर्ती आएगा। प्रोडक्ट टाइप में हर एक कैटेगरी का अलग अलग आता है गाइस, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना होगा। मैं आपको 5 प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाऊंगा सैम्पल, और ये फिल करने के बाद आपको सेलर एसक्यू डालना होता है। सेलर एसक्यू के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप डेफिनेटली देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये सेलर एसक्यू हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग होता है गाइस, ओके। देखिए मेरा जो ब्रांड नेम है वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, लेकिन आपके दिखाने के लिए मैंने ये अनरजिस्टर्ड ब्रांड यहाँ पे टाइप किया, और ठीक है तो आप किसी भी नाम को यहाँ पे डाल सकते हो लेकिन वो किसी का रजिस्टर्ड होना नहीं चाहिए। और अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो वो आप नाम डाल सकते हो। फिर सिंपली गाइज हम प्रोडक्ट आईडी में यूपीसी कोड डालेंगे और प्रोडक्ट आईडी टाइप में से यूपीसी ये सिलेक्ट कर लेंगे। यूपीसी कोड कैसे ख़रीदना है, कहाँ से आप मिलेगा, कैसी फॉर्मेट में आती है, सब मैंने सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले वीडियो में बताया। अगर वो नहीं देखा उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप डेफिनेटली चेक करिए गाइस। और हर एक प्रोडक्ट का यूपीसी अलग अलग होता है, तो मैं यूपीसी कोड डाल लेता हूँ। सो गाइस आइटम नेम मींस आपका जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा वो आप यहाँ पे डालिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने अभी तक सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग अमेजोन पे नहीं देखा वो वीडियो पूरा एक बार देख लीजिए, आपको एक लिस्टिंग के बारे में समझ आ जाएगा कि लिस्टिंग को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ये बस फ्लैट फाइल में आपको वही सारे डिटेल्स जो है फिल करना होता है और इसको अपलोड करना होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ और भी डिटेल में क्या है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए गाइस। देखिए मैंने आइटम टाइटल डाल दिया, अभी मैन्युफैक्चरर डालूंगा यहाँ पे, ओके मैन्युफैक्चरर डाल दिया। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर आप एसक्यू कोड को ही डाल सकते हो क्योंकि हम लोग इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है नहीं, और अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर लिखा है तो आप डालिए, नहीं तो एसक्यू कोड जो बनाते हो अपने प्रोडक्ट के लिए वो आप डाल दीजिए। इसमें पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर वारंटी डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये आप ब्लैंक छोड़ दीजिए या अगर है तो ये सब लिख दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ना नहीं लिख दीजिए, अगर ना लिख देंगे नहीं है तो इसलिए, ओके गाइस। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो वो मैपिंग करते हैं दूसरे सेलर का या ऐसा कुछ कर लेते, तो अगर आपको सक्सेसफुल एक होना है अमेजोन पे या सक्सेसफुल सेलर बनना है और बहुत लंबा टाइम तक आपको ये बिज़नेस को रन करना है गाइस, तो आप मैपिंग करना छोड़ दीजिए। ये शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता है, लॉन्ग टाइम के लिए अपने आपके बिज़नेस के लिए बहुत इम्पैक्ट मतलब खड़ा करता है। तो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है अमेजोन पे, मैं 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ, आप मैपिंग करना छोड़ दीजिए तभी आपको सक्सेस मिलेगा। नहीं, खुद से प्रोडक्ट डेवलप करिए, खुद का प्रोडक्ट लिस्ट करिए, ठीक है गाइस।
और कभी भी कंपटीशन के अंदर मत जाइए, दूसरे सेलर कम प्राइस में दे रही है तो मैं भी कम प्राइस में दूंगा, ऐसा नहीं करिए आप, ठीक है। अब अच्छे से कैलकुलेट करिए, प्रॉफिट ऐड करिए, फिर प्रोडक्ट को लिस्ट करिए, आपको डेफिनेटली सेल आएगा और सक्सेस आपको मिलेगा अमेज़ॉन पे। स्टैंडर्ड प्राइस डालिए जिस प्राइस में आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, ठीक है गाइस। आपका कुछ भी हो सकता है, एक मान लीजिए हम हेडफोन्स अपलोड कर रहे हैं तो एक का प्राइस हम सेल करेंगे 499 में, थोड़ा जिसका दाम कम है तो वो कम दाम में बेचेंगे हम, ठीक है। तो हम वैरायटीज ऐड कर रहे हैं, ये देखिए मेरा 5 हेडफोन है तो 5 का प्राइस अलग अलग है, क्वांटिटी मेरे पास 10-10 करके अवेलेबल है। और अगर आप नया लिस्ट कर रहे हो, मतलब एकदम फास्ट शुरुआत कर रहे हो अमेज़ॉन पे, तो क्वांटिटी ज़्यादा कभी भी मत लाना, 2-4 से ज़्यादा कभी मत खरीदना। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको पता है, सिंगल प्रोडक्ट अपलोड की वीडियो में मैंने बताया गाइस। देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये आपका एमआरपी होता है, ठीक है। अभी ये पैकेट के ऊपर लिखा रहता है और आप जो प्राइस में सेल करोगे वो स्टैंडर्ड प्राइस, इस प्राइस, ये जो आप देख रहे हो 499 299, इस प्राइस के अंदर आपका प्रोडक्ट का प्राइस, फिर आपका प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट, पैकिंग, सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। शिपिंग माना कि आप अलग से अमेज़ॉन पे ऐड कर सकते हो, लेकिन शिपिंग को छोड़ के जितना भी अमेज़ॉन का कमीशन हो गया, फिर टैक्स हो गया, सब कुछ आपको इस प्राइस रेंज के अंदर आपको कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड प्राइस। इसी से आपका जो पैसा है वो कटेगा आगे, ठीक है, और आपका प्रॉफिट भी इसी मार्जिन से आएगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है और ये आपको डिस्काउंट करके ये स्टैंडर्ड प्राइस में सेल करना होता है, ठीक है। अभी देखिए इमेज URL, तो इमेज URL का आप कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। एक वेबसाइट देखिए, ये एक वेबसाइट, इसका नाम है imgur.com। अब ये फ्री 100% फ्री वेबसाइट, में बहुत दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसमें एक बार साइन इन कर लीजिए वेबसाइट में, imgur में, ठीक है। तो मैं ये साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा एड मोर इमेज, ब्राउज करना पड़ेगा और ये एक एक करके आपका जितना भी हेडफोन से या जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो तो सारा आप पहले ऐसे करके अपलोड कर लो, ठीक है। अभी देखिए अपलोड करने के बाद ये मेरा इमेज पूरा अपलोड हो गया। तो क्या करेंगे आप, सिंपली जो मेन इमेज है वो फास्ट आप आएंगे इस इमेज के ऊपर और देखिए लिंक बना हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, एक्सेल शीट में जाएंगे, मेन इमेज URL मैंने डाल दिया। अभी मेरा ये मान लीजिए दूसरा मतलब जो आप डालोगे 1 2 3 करके, तो ऐसे आप डालते जाइए, 1 2 3 देखिए लिखा हुआ है, तो हम डाल देंगे ऐसे ही 2 इमेज, 2 नंबर मैंने डाल दिए यहाँ पे। फिर इसका हम डालेंगे, तो गाइस मैंने ये 3 इमेज अपलोड कर लिया, ठीक है। अभी सारे मैं अपलोड कर लेता हूँ, आप भी एक एक करके अपलोड कर लीजिए आपका। ऐसे एक बात बता दूँ आपको, देखिए इसमें आपको ये 8 इमेज आप डाल सकते हो एक लिस्टिंग में, तो 8 आप नहीं डाल सकते, क्योंकि 8 आप डाल सकते हो लेकिन 8 इमेज आपका लाइव नहीं होगा, 6 इमेज तक ही लाइव होता है अमेज़ॉन पे, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा, 5-6 से ज़्यादा नहीं डालना है आपको इमेज, ठीक है। और ये लाइन बाय लाइन डाल दीजिए, फिर उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टैब में, अपडेट डिलीट, तो आपको यहाँ से अपडेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अपडेट आप लिस्टिंग के लिए सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपका लिस्टिंग रहेगा। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपको डालना है यहाँ पे, आपका 5 प्रोडक्ट का अगर अलग अलग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो अलग अलग कॉलम में आपको डाल देना है। मैंने लिख के रखा है तो मैं अभी बस यहाँ पे डाल दूंगा, आपको लिख के रखना पड़ेगा फिर ही डालना होता है। ओके गाइस देखिए मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी डालने के बाद रिकमेंड ब्राउज नोट आपसे पूछ रहे हैं, तो ये ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करेंगे, ये ब्राउज नोट आपको यहाँ से डालना पड़ेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है आपका जैसा टेम्पलेट है, लेकिन ये सब फील जो हम कर रहे हैं ना ये हर एक एक्सेल शीट में आपको मिलेगा, किसी भी कैटेगरी में आप लिस्ट कर लीजिए। फिर मॉडल नंबर, मॉडल नंबर अगर आप प्रोडक्ट का कोई है तो मॉडल नंबर आप यहाँ पर डालिए। हमारा अगर कोई प्रोडक्ट के मॉडल नंबर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, SKU वहाँ पर भी SKU डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग करके ऐसे प्रोडक्ट का नंबर नहीं बनाना पड़ता, तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी होता है। फिर बुलेट पॉइंट का, इस बुलेट पॉइंट ये डालना पड़ेगा 1 2 3 करके एक एक लिस्टिंग के लिए, ऐसे हम बुलेट पॉइंट डालेंगे, कॉपी कर लिया यहाँ से, लिख के रखा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये पहला बुलेट पॉइंट डाल दिया, फिर दूसरा बुलेट पॉइंट डालेंगे उसी लिस्टिंग का, ये 2 नंबर हमने कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है।
फिर तीन नंबर लाइन का कॉपी कर लिया बुलेट पॉइंट, और ऐसे ही आपको हर एक फील्ड में डाल देना है बुलेट पॉइंट एक लिस्टिंग के लिए। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अभी दूसरे का भी ऐसे ही डालना है आपको, एक दो तीन, आपका जितना बुलेट पॉइंट होगा उतना ही आप डाल सकते हो। एक लाइन का होगा, दो लाइन का होगा, तो आप डाल दीजिए जो। डबल क्लिक करिएगा इस, आपको लग रहा है कि एक लिखा एक टेक्स्ट के ऊपर दो टेक्स्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ये दिखा रहा है आपको ऐसा, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका अलग अलग कॉलम में ही जा रहा है, ठीक है। तो वो आप डबल क्लिक करिए, ऐसे आपको वाइट दिखेगा, फिर आप पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, ओके। फिर गाइस आगे चले आइए, आपको मिलेगा कलर और कलर मैप। तो कलर मैप से मान लीजिए आपका एक कलर है ग्रीन, ठीक है, ब्लू है मेरा, ग्रीन है, तो ये आपका जो जो कलर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। भाई कलर मैप में आप जो कलर सिलेक्ट करोगे कलर में भी आपका वही होगा, ओके। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, इसमें पेस्ट कर दिया। ये हर एक प्रोडक्ट का वो मिलता है पैकेज क्वांटिटी टाइप। तो पैकेज, एक पैकेज में आपका कितना रहता है, एक ही क्वांटिटी अगर आपके पास है तो एक दीजिए, अगर आप एक पैकेज में दो क्वांटिटी है तो दो डालिएगा इस, ये डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर गाइस आप बी एस वाले कॉलम में आ जाएंगे, कंट्री ऑरिजिन आपको सिलेक्ट करना होता है ये फील्ड, तो जिस कंट्री का आइटम है वो कंट्री को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम आएंगे और देखिए इसमें सी वाई वाले कॉलम में आपको पूछ रहा है वारंटी डिस्क्रिप्शन। सो वारंटी डिस्क्रिप्शन क्या है गाइस, अगर आपकी प्रोडक्ट की कोई वारंटी है तो आप लिख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 10 दिन 15 दिन या 6 मंथ के लिए वारंटी वैलिड है, ठीक है। आइटम कंडीशन न्यू, हमेशा ये फील्ड आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्ट आपका एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन नोट, अगर कुछ लिखना चाहते हो उसके बारे में, कब ये लिखा जाता है, जब बोल्ड आइटम होता है, यूज्ड आइटम होता है तभी, ठीक है, न्यू के लिए कुछ नहीं लिखना होता है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अब हमेशा डालिए कि एक कस्टमर कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर पाएगा एक ही टाइम पे। तो हम क्वांटिटी सेट करते हैं दो, प्रोडक्ट के हिसाब से हम सेट करते हैं, दो चार से ज़्यादा कभी नहीं करते, ठीक है। सेल प्राइस, ये मैंने डिटेल में बनाया इसके बारे में एक वीडियो, ये अभी डालना नहीं है आपको। नंबर ऑफ आइटम एक ही होगा एक बॉक्स में, तो हम एक डाल देंगे यहाँ पे। ये दोनों में आप मतलब अंतर समझिएगा इस। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मान लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने कोई प्रोडक्ट देखा तो मैं उसको एक साथ जैसे आप सिलेक्ट करते हो ना, एक दो तीन करके कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है। और नंबर ऑफ आइटम, एक ही पैकेट में एक आइटम आएगा, ऐसे अगर वो दो क्वांटिटी करते हैं तो दो आपको उसके पास आएगा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि आपका एक पैकेट है लेकिन उसके अंदर दो हेडफोन्स है, या दो कोई प्रोडक्ट है, या दो कुर्ती है, दो बैग है, तो इसमें आप नंबर ऑफ आइटम दो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आप सोरा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप कोई टॉयज बेच रहे हो, टॉयज में बहुत सारे क्या होता है, पाँच छः कार का पैकेट आता है, तो वो आप उसमें क्या डालोगे, नंबर ऑफ आइटम छः डालोगे, सिक्स है ना, सिक्स आइटम उनको एक पैकेट के अंदर मिलेगा, लेकिन क्वांटिटी आप जितना सिलेक्ट करोगे, दो चार पाँच आप लिख सकते हो, एक कस्टमर पाँच पैकेट ऑर्डर कर पाएंगे, लेकिन उनको हर एक पैकेट में छः क्वांटिटी करके छः आइटम करके मिलेगा, ओके गाइस। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट आपको डी आर वाले कॉलम में से सिलेक्ट करना होगा, आपका प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग जो होगा तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा गाइस। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए आप सिलेक्ट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में करो तो 18% हो रहा है, और 20% भी 28% भी कुछ कुछ कैटेगरी में है आपका, तो वो आप देख के सिलेक्ट कर लीजिए। और ये हमारा जो एक्सेल टेम्पलेट है ये रेडी हो गया। अभी इसको हम सीधा सेव कर लेंगे गाइस, सेव करने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको हम अपलोड करेंगे। सो गाइस हम क्या करेंगे, अपलोड करने के लिए इसमें आना पड़ेगा अपलोड योर इन्वेंट्री फाइल, और फिर आपको स्टेप टू पे आना पड़ेगा, ब्राउज करके अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद मॉनिटर योर अपलोड स्टेटस आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं क्योंकि उसमें अनब्रांडेड नाम डाला हुआ था, मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, तो मैं उस नाम को अपलोड नहीं करूँगा अपनी अकाउंट से। आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारे इशू आ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए जब आप अपलोड कर लेंगे और वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, 15 से 20 मिनट लगता है, तो मैनेज इन्वेंट्री में जाके आप देख पाएंगे। अगर बाई चांस मान लीजिए कि
कि आपका जो रिपोर्ट है वो अपलोड नहीं हुआ, कुछ एरर है, तो वो आप कहाँ से ढूंढेंगे। देखिए कंप्लीट ड्राफ्ट बोल के जिस भी ऐसे अपलोड करने के बाद आता है अगर आपकी एक्सेल शीट जो आपने अपलोड किया, तो उसका मतलब कुछ आपका जो लिस्टिंग है उसमें गड़बड़ है, तो वो आप डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। और अगर आपको ऐसा दिखता है डाउनलोड योर प्रोसेसिंग रिपोर्ट, सो ये दैट्स मीन ये सक्सेसफुली हो गया। लेकिन अगर किसी आपका इन्वेंट्री फाइल के सामने कंप्लीट ड्राफ्ट बोल के है तो उसमें कोई गड़बड़ी है। तो देखिए आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड योर प्रोसेसिंग रिपोर्ट, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और देन आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आप टेम्पलेट में आ जाइए। तो ओपन जब आप कर लेंगे तो आपको देखेंगे ऐसा कलर के अंदर ये रेड कलर का छोटा मार्क करके दिखेगा। तो मेरा जो मैंने लिस्टिंग किया था एक बार उसमें ये फील्ड मैंने फील्ड अप नहीं किया था, इस वजह से ये मुझे मार्क कर रहे। तो आप तब क्या करेंगे, आप अपना जो लिस्टिंग मतलब एक्सेल शीट है उस, तो फिर दोबारा ओपन करने के बाद आप इसमें जो आपको दिखाएगा, मान लीजिए ये प्रोडक्ट टाइप मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, तो मैं वो अपना पुराना इसे एक्सेल शीट में जाऊंगा और प्रोडक्ट टाइप मैं इसमें से सही कर लूँगा। प्रोडक्ट ये देखिए प्रोडक्ट टाइप मैं सिलेक्ट कर लूँगा। प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करने के बाद फाइल को दोबारा सेव करके इसी फाइल को दोबारा अपलोड करूँगा, ठीक है, उसको काट देंगे। फिर दोबारा मॉनिटर करेंगे और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर फिर से कुछ एरर आता है, मान लीजिए आपको दो चार एरर दिखा रहा है ऐसे करके, सेलर एसक्यू नहीं डाला, ब्रांड नेम नहीं डाला, तो आपको वो सारे फील्ड जो है भरना होगा, ठीक है, और दोबारा आप सेव करके इस फाइल को अपलोड कर लेंगे तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है गाइस, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।